भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरी वर्षगांठ कुछ दिन पहले मनाई गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जो एक महत्वपूर्ण बात है। भारत में इस नई शिक्षा पद्धति को लागू किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, संस्कार का विकास करना, जिससे राष्ट्र में विद्यार्थी अपने जीवन की शुरुआत अच्छे ढंग से कर सके, एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा कर सके। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारतवर्ष में लागू किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। देखना है कि किस तरह से यह विद्यार्थियों को प्रभावित करता है, और यह मैकाले पद्धति पर आधारित नहीं है, बल्कि जो भारतीय परंपरा में पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसी को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो बातें छूट गई थी उसे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। बहुत कुछ अभी भी नहीं सिखाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ऐसी पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है जो विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में वैदिक गणित की शिक्षा दी जाती है, और इसे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है कि वैदिक गणित विद्यार्थियों को बहुत कुछ सूचना देती है और उसे सिखाने का प्रयास करती है। इसलिए हम सभी मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सोचें और इसे भारतवर्ष में लागू करें, जिससे विद्यार्थियों को बहुत शिक्षा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।